नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 का शंखनाद हो चुका है। प्रत्याशी की ओर से लगातार नामांकन किया जा रहा है और इसी कड़ी में लखनऊ कलेक्ट्रेट परिसर में लगातार नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। मोहनलालगंज के मौजूदा विधायक और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरीश सिंह पुष्कर भी अपना नामांकन करने पहुंचे, जिनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस वक्त हम लोग सपा के जिला कार्यालय परिसर में हैं, जहां पर आप जानते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और जहां पर लगातार नामांकन की प्रक्रिया जारी है। आज भी नामांकन की प्रक्रिया यहां पर जारी है। इस वक्त हमारे साथ मोहनलाल के मौजूदा विधायक अमरीश पुष्कर हमारे साथ में मौजूद है और आज उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। आइए सीधे ही उनसे बात करते हैं कि अब इनकी क्या रणनीति रहेगी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद, थैंक यू आपको भी। ये बताइए कि अब आज आपका नामांकन होने जा रहा है, तो अब आगे इस 2022 के लिए आपकी क्या तैयारी रहेगी? देखिए, 2022 के लिए हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा पहले ही डिसाइड किया जा रहा है कि हम जा चुका है कि हम लोग अब की विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर चुनाव में जा रहे हैं, नौजवानों की समस्याओं को लेकर जा रहे हैं, मतलब हर वर्ग की जो समस्या है, जो 5 साल से हर वर्ग इस सरकार से पीड़ित रहा है और हम लोग जन समस्याओं को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी को। और निश्चित तौर पे मोहनलालगंज की सीट भी हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे और इसके साथ प्रदेश में हम लोग बड़ी संख्या में प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है अब की। अमरीश जी, जिस तरीके से आप मौजूदा विधायक हैं मोहनलालगंज के, तो पिछली बार आप मतलब इस आप क्या चीज़ नहीं कर पाए थे जो इस बार आप करने का विचार बना रखा है? देखिए, पिछली बार हमारा क्षेत्र में हमने सोचा था कि एक राजकीय कन्या महाविद्यालय खुलवाऊंगा, लोगों को जाम से मुक्ति दिलाऊंगा, ओवर ब्रिज की स्थापना करवाऊंगा, किसानों को समुचित रूप से उनको पानी उपलब्ध हो सके वो मैं कराऊंगा, इसके अलावा किसानों को समय से खाद उपलब्ध हो जाए उसकी व्यवस्था मैं कराऊंगा। हमारे क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, जितनी भी तरीके की हैं, हम उस सभी समस्याओं का निदान अब की समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद अपने क्षेत्र में हम कराएंगे। जी अमरीश जी, आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें लखनऊ की 9 विधानसभा में आप इकलौते सपा प्रत्याशी रहे थे जो मोहनलालगंज से आपने विधायकी जीती थी इस बार, और उसमें ये था कि आपके जो भी मुद्दे थे उन मुद्दों पर आपको रोक लगाई जा रही थी, तो उससे निपटने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, पिछली सरकार का जहाँ तक विपक्ष के विधायक होने के नाते सरकार का हमको सहयोग नहीं मिल पाया। जो हमारी इच्छा थी, हमारे क्षेत्र की जो इच्छा थी, कोई इच्छा हमारे क्षेत्र की सरकार ने पूरी नहीं की। हमारी क्षेत्र की सड़कें अभी तमाम मुख्य मार्ग पूरी तरीके से जर्जर पड़े हुए हैं। हम उनका नवनिर्माण कराएंगे, सड़कों का चौड़ीकरण कराएंगे और इसके अलावा तमाम जो विकास के जो काम है, लोगों को पेंशन दिलाना, 300 यूनिट बिजली फ्री दिलाना, ये सब पार्टी की घोषणाएं हैं। उसको हम लोग जमीन तक, जो हमारी सरकार की जो प्राथमिकताएं होंगी, उसको जो सरकारी योजना होंगे, हम लोग उसको जमीन तक लाएंगे। हर पात्र व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को हम लोग सरकार की योजना पहुँचाने का काम करेंगे। जी, बाकी ये है कि आप पिछली बार विधायकी में आपने काम किया, आपने बहुत सारे विकास के मुद्दों पर बात की है कि आप इस तरीके से कार्य करेंगे, अब आप क्या देखते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर? जैसे ऑपोजिशन पार्टी तमाम चीज़ें सामने रख रही हैं और ऑपोजिशन पार्टी तमाम ऐसे अटकलें लगा रही है, उस पर आपका क्या विचार? देखिए, विपक्ष, हम लोग 5 साल विपक्ष में रहे हैं, सरकार 5 साल सत्ता में रही है, उसके बावजूद क्षेत्र का विकास कार्य नहीं हुआ है। इन्होंने 5 साल से लगातार झूठ बोलने का काम किया है। आज जब चुनाव नज़दीक आ गया है तो इन्होंने बिजली बिल काम करने का काम कर रहे हैं, हम लोग तो 300 यूनिट बिजली फ्री देखने का काम कर रहे हैं। 5 साल तक किसान इनके आवारा पशुओं की कोई योजना नहीं बना पाए और आवारा पशु आज भी जो है किसानों की फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं और जनता गुहार लगाती रही सरकार से, लेकिन सरकार जो भी इनके दावे हुए वो सब कागजी रहे, ज़मीन पर कुछ उतर नहीं पाया है। और किसान पूरी तरीके से, हमारा क्षेत्र चूँकि किसान प्रमुख क्षेत्र है, किसान पूरी तरीके से इस सरकार से पीड़ित है और आने वाले दिनों में सबक सिखाएगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ इनको प्रदेश से विदा करेगा अब की इस चुनाव में। और 2022 में माननीय 10 मार्च को माननीय अखिलेश यादव जी सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे। जी अमरीश जी, बाकी और अभी एक पोस्टर वार भी एक शुरू हुआ था, पोस्टर वार में जगह जगह पोस्टर लगाए गए थे कि सपा सरकार में इस तरीके का था, जिसमें दिखाया गया था कि 2017 से पहले ये तस्वीरें थी और 2017 के बाद ये तस्वीरें थी, इस तरीके से पोस्टर लगा के उन्होंने ये चीज़ जाहिर की थी कि पहले विकास नहीं हुआ, अब विकास हुआ। विकास पूरे प्रदेश में कहीं नहीं हुआ, लखनऊ में आज की स्थिति ये है कि इन 5 सालों में अगर सरकार ने एक भी काम कराया हो, नव निर्माण कोई एक काम कराया हो,
तो वो बताए, सरकार बताने की स्थिति में नहीं है। पाँच साल उन्होंने हमारे द्वारा, पिछली सरकार के द्वारा जो किए गए कार्य थे उन्हीं का फीता काटने का काम किया है। सरकार विकास के मुद्दे पे, लोगों को रोजगार देने के मुद्दे पे, लोगों को शिक्षित करने के मुद्दे पे और साथ तौर पर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी लोगों को इलाज और ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में पूरी तरीके से फेल रही है। ये फेल हो चुकी सरकार है, जनता इनको विदा करके ही दम लेगी। अच्छा, आप उस पर क्या कहेंगे जो कांग्रेस ने 40% महिलाओं की दावेदारी करने की बात की, 40 महिलाओं को मौका दे रही है, तो क्या आपको लगता है कि वो इस पे खरी उतर पाएंगे? देखिए, वो उनकी पार्टी का एजेंडा है, हमारी पार्टी भी महिलाओं का निरंतर सम्मान करती चली आई है। बराबर महिलाओं को हमारे पार्टी से भी प्रतिनिधित्व मिल रहा है और आने वाले समय में और महिलाओं को प्रतिनिधित्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे। दूसरी पार्टी के क्या है, हमारी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में महिलाओं को अच्छा सम्मान मिलता है, उचित सम्मान है, जो समाजवादी पार्टी में ही है। अब आपसे एक मैसेज चाहूंगी कि आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अपील करूंगा, अपने क्षेत्रवासियों से अपील करूंगा कि अब की जो आपने 5 साल देखे कि आप लोगों को शिक्षा आप लोगों की प्रभावित हुई है, आप लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हुई हैं और आय भी आप लोगों की कम हुई है, तो मैं आप लोगों से सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि आप सब लोग आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप सभी लोग साइकिल पे चुनाव पे निशान पे मोहर लगाएं और समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। तो ये मोहनलाल के मौजूदा विधायक और 2022 के मोहनलालगंज से अपनी दावेदारी कर रहे हैं सभा प्रत्याशी अमरीश पुष्कर जी, जिनसे हमने बात की। इन्होंने बताया कि इस बार उनके विकास के मुद्दों पर खास एजेंडा उनका रहेगा, जिसके चलते वो अपने क्षेत्र में विकास कार्य करने वाले हैं। कैमरा पर्सन रश्मि के साथ मैं श्वेता गर्ग, प्राइम टीवी, लखनऊ। और इसी के साथ प्राइम टीवी की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।